आप इतने में एक लिपस्टिक खरीदोगे, एक ही लगा लगा के बोर हो जाओगे। सच है, चार ले लो, रोज रोज नई नई लगाओ, दूसरों को टेंशन दो। नहीं करूंगी, उन्हें मैं गिव अवे कर दूंगी, बाल्टी में रखे हुए प्रोडक्ट। बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं। बैक टू माय चैनल, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए। मेरा नाम है नीमा, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो। बड़ा ही अलग सा इंट्रो लग रहा है आज मुझे, बट हाँ, बन गया तो बन गया। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पर्पल हॉल, पर्पल मेकअप हॉल। बेसिकली ये होने वाला है, स्किन केयर और हेयर केयर वाला मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज मैंने पहनी है ढिनचैक वाली ड्रेस, तो मैंने कहा मेकअप भी ढिनचैक वाला कर लेना चाहिए। तो आज मैंने आई मेकअप थोड़ा सा इसी की जैसा किया है। आज के जो भी मैं आपको मेकअप प्रोडक्ट दिखाऊंगी, ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त वाली सेल चल रही है पर्पल पे, पर्पल ब्यूटी कार्निवल सेल, तो उसमें आपको ये अच्छे खासे ऑफर पे मिल जाएंगे। मेकअप प्रोडक्ट्स होने वाले हैं आज सारे के सारे। सबसे पहले बात करती हूँ, मुझे लिपस्टिक से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो मैंने बहुत सारी लिपस्टिक्स मंगवाई हैं इसमें, तो मेरे मेकअप हॉल में लिपस्टिक्स तो बिल्कुल मिलेंगी ही मिलेंगी आपको। ये है पर्पल की लिपस्टिक्स, HD अल्ट्रा HD मैट लिपस्टिक। इसमें मेरे पास 6 शेड्स हैं। ये एक्चुअली मैंने स्पेशली मंगवाए हैं पर्पल से, क्योंकि मैं इनका रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ। मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं लिप स्वॉचेस वाले वीडियोस बनाना, मतलब मेरे चैनल पे आप बहुत सारे देखोगे। लेटेस्ट ही मैंने शुगर के, लैक्मे के, बहुत सारे ब्रांड्स के बनाए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है लिप स्वॉचेस की वीडियोस बनाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है लिपस्टिक के लिप स्वॉचेस करो, रिव्यू करो। तो ये एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको 6 लिपस्टिक्स का लिप स्वॉचेस दिखाने वाली हूँ। अगर मैं बात करूँ इसकी, ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है और लिपस्टिक है ये आप देख सकते हो, क्योंकि ये आउटर पैकेजिंग में आता है, तो ये लिपस्टिक बहुत ज़बरदस्त लगती है। इस तरीके के मैग्नेट लॉक के साथ आती है ये आप देख सकते हो। शेड्स की अगर मैं बात करूँ, इसके शेड्स गज़ब के हैं। पिगमेंटेशन मैं आपको एक की दिखा देती हूँ, ये आप देखो, और ये बिल्कुल मैट हो जाती हैं काफ़ी अच्छे से। तो अगर आप क्रीमी मैट लिपस्टिक चाहते हो तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। पूरे का डिटेल्ड रिव्यू मैं आपके साथ एक अलग से वीडियो में शेयर करूंगी, अदरवाइज़ वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा। नेक्स्ट जो मेरे पास हैं लिपस्टिक्स, एक्चुअली मेरे पास थी ये NYB की 4 लिपस्टिक्स, NYB शक्ति। अब मैंने इसकी एक और मंगवाई है ताकि मैं 5 की एक वीडियो शेयर कर सकूँ। तो मैं सबसे पहले आपको नई वाली ही दिखाती हूँ कि कौन सा वाला शेड मुझे रिसीव हुआ है। ओहो, ये तो लाइनर है, ये है लिपस्टिक। मैं कहूँ भाई क्या हो गया। बट ये आई थिंक नया वाला शेड नहीं है, शेड नंबर 12। ये मेरे पास पहले से ही है, तो ये कई बार ऐसा होता है हमारे पास दो तीन तीन हो जाती हैं चीज़ें, तो ये वाला शेड है ये, मैं आपको दिखा देती हूँ शेड नंबर 12। ये काफ़ी प्यारा न्यूड शेड है, वाओ, ये आप देख सकते हो। तो मैं इनकी एक लिपस्टिक वीडियो शेयर करूँगी। आज मैंने NYB शक्ति की ही ये वाली लिपस्टिक लगा रखी है, इसका शेड है 13, बहुत प्यारी। और ये बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होती है ये। तो इसकी पिगमेंटेशन दिखाऊं तो लिप्स पे तो आप देख ही रहे हो गज़ब वाली है। हाथ पे भी मैं आपको इसका एक शेड दिखा देती हूँ, ये आप देखें, काफ़ी प्यारा पिंक शेड है ये। और मेरी टी शर्ट और मेरा मेकअप कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये है NYB शक्ति का लाइनर, ये ब्लू कलर में है, मेरे पास ये ग्रीन कलर में है, तो मैं एक वीडियो ज़रूर आप लोगों के साथ इसकी शेयर करूँगी। मेरे पास का ना ग्रीन कलर है। इसका एप्लीकेटर ब्रश एप्लीकेटर है, तो ना लगाना काफ़ी आसान होता है, वो फॉर्म एप्लीकेटर नहीं है जो थोड़ा सा स्टिफ रहता है, नहीं, ब्रश एप्लीकेटर है। और शेड काफ़ी प्यारा इसका लग रहा है, मतलब अगर आप कलर्ड आईलाइनर लगाने के शौकीन हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। इसका ये जो है ना वॉन्ट काफ़ी बड़ा है, तो पकड़ने में काफ़ी ईजी हो जाता है। क्वान्टिटी आपको इसकी मिलती है 4.5 ml और शेड है 2। नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको, ये है NYB का कॉम्पैक्ट। मैंने एक्चुअली अभी ये कुछ भी नहीं खोला है, इनमें कई चीज़ों में तो आउटर पैकेजिंग भी लगी हुई है प्लास्टिक वाली, ये आप देख सकते हो। इस तरीके का मिरर लगा हुआ है इसमें सामने, और ये है इसका कॉम्पैक्ट। इसकी क्वांटिटी आपको मिलती है 9 ग्राम की, शेल्फ लाइफ 3 साल की, और MRP है इसका 225 रुपये। काफ़ी क्वालिटी इसकी ठीक है। रुको मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट, ये पन्नी जो लगी होती है ना मेरे से कभी निकलती नहीं है, इसे सबसे पहला काम मैं यही हटाने का करती हूँ। ओह, ये कॉम्पैक्ट नहीं है, बेसिकली ये क्रीमी टेक्सचर है इसका, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बेसिकली फाउंडेशन टाइप है, ये आप देखो। तो ये क्या है, जैसे आपने स्टिक फाउंडेशन या लिक्विड फाउंडेशन ना लगा के इसे आप यूज़ कर लो, ये आप देखो, दिख रहा है। तो ये कॉम्पैक्ट नहीं है, ये क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, कॉम्पैक्ट क्रीम टू पाउडर,
फाउंडेशन कंसीलर कॉम्पैक्ट क्रीम टू पाउडर, बेसिकली ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी यार। मतलब नहीं है फाउंडेशन वाउंडेशन लगाने का टाइम, तो यही उठाया, ज़रा ज़रा सा लगाया और ब्लेंड कर लिया, और ये आप देखो ज़रा सा मेरा ये लगा है और ये ऐसा हो गया। मैं इसको ज़रा सा फिंगर लगाती हूँ, देखो बहुत प्यारी चीज़ मुझे लगी, बहुत प्यारी। तो अब मैं कोई किसी दिन ना इसका रिव्यू आपके साथ अलग से शेयर करूँगी। ये आप देख सकते हो, मुझे इसकी पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। आप देखो इजीली ब्लेंड हो गया, ये कहीं से भी आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने हाथ पे कुछ लगाया। बहुत सही। इसमें मेरे पास दो शेड्स हैं, अगर मैं बात करूँ इसकी, ये था 2 और ये है 1। तो थोड़ा सा इसका भी कलर मैं देख लेती हूँ। आई थिंक इसमें अभी हाँ दो ही हैं ये। इसका शेड भी काफ़ी अच्छा है, तो आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से ले सकते हो। काफ़ी नई चीज़ मुझे लगी, कॉम्पैक्ट तो मैंने देखे हैं बट ये बड़ा अलग सा है। ये है पर्पल का बनाना पाउडर, बेक एंड सेट बनाना पाउडर, 9 ग्राम की क्वांटिटी है। इसकी मैंने बड़ी तारीफ सुनी है यूट्यूबर्स के मुंह से, तो एक मेरे पास पहले भी था बट मैंने अभी तक उसे भी ट्राई नहीं किया। इसमें कोई शेड नहीं है, आई थिंक ये सिंगल शेड है। यस, इसमें कोई शेड मेंशन नहीं किया गया है। प्राइस की अगर मैं बात करूँ, ये 449 रुपीज़ का है। इसको भी देखते हैं कहीं ये क्या चीज़ है अलग से। नहीं, ये तो सिंपल पाउडर ही है, बट हाँ ये येलो कलर का पाउडर है, तो इसे बेक करने के लिए, मतलब जैसे आप ग्लिटर आई मेकअप वगैरह लगाते हो तो लगा लो अच्छे से, और अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो भी आप इसे लगा सकते हो। क्वालिटी इसकी A1 है, A1, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। मैं साथ के साथ बंद करती हुई जा रही हूँ वरना मेरा काम बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारी वीडियो शूट करनी है, बिलीव मी बहुत सारी। एक है मेरे पास NYB का ये कॉम्पैक्ट, इस बारी मेरे पास बहुत सारे हैं। लिपस्टिक्स मेरे पास इस बारी बहुत सारी हैं। ये है SPF 40 के साथ, ये मेरे पास पहले भी है जो मेरा ख़त्म हो चुका है, और ये काफ़ी अच्छा, इसका जो कलर है ना ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मेरी स्किन पे बहुत अच्छा जाता है ये। ये मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी प्यारा सा है और काफ़ी ईजिली ना ये ब्लेंड हो जाता है। ये आप देखो बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है, और इसके साथ इस तरीके का फॉर्म एप्लीकेटर मिलता है, तो सीधे लो लगा लो। गर्मियों में तो इस तरीके के कॉम्पैक्ट आपके पास एक होने ही चाहिए कि मिरर में देखो कहाँ कहाँ पसीना आ रहा है और फटाक से लगा लो, बहुत सही काम करते हैं ये। नेक्स्ट है मेरे पास NYB मिनी लिपस्टिक्स, ये मेरे पास पहले भी थी बट हाँ ये आई थिंक अगर ये नई किट होगी तो मैं एक रिव्यू इनका सबका एक साथ आपके साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सही लगती हैं ये मिनी किट्स, क्योंकि ये बहुत पैसे आपके बचा देती हैं। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ, ये 199 रुपये इसका MRP है, और NYB पे वैसे ही ब्यूटी कार्निवल पे सेल चल रही है, तो आपको ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। इसमें आपको 4 लिपस्टिक्स मिलती हैं, ये है किट नंबर 1। इस तरीके की लिपस्टिक्स होती हैं ये आप देख सकते हो, इतनी क्वांटिटी आपको इसकी मिलती है। और मैं आपको इसका एक शेड दिखाती हूँ, ये आप देखो क्रीमी लिपस्टिक्स होती हैं ये। बहुत अच्छी बात ये होती है कि 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। देखो आप इतने में एक लिपस्टिक खरीदोगे, एक ही लगा लगा के बोर हो जाओगे, इससे अच्छा है 4 ले लो, रोज़ रोज़ नहीं नहीं लगाओ, दूसरों को टेंशन दो कि भैया इसके पास इतनी लिपस्टिक्स कहाँ से आ गई। ये है मेरे पास लिक्विड कंसीलर NYB का। मैं कभी भी कंसीलर्स यूज़ नहीं करती हूँ, बट हाँ मैं ढूंढ रही हूँ कि कोई बढ़िया सा कंसीलर मुझे मिल जाए। मेकअप वीडियो में मैं कभी कंसीलर यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे पास कई लोग बोलते हैं कि आप कंसीलर नहीं लगाते हो क्या, तो ये है एक कंसीलर, शेड इसका थोड़ा सा डार्क है, बाकी कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास अभी 2 और हैं किसी का शेड तो समझ में आएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। कंसीलर से ही समटाइम्स मैं तो, अगर मेरा हो जाए ना हिसाब, तो मैं तो कंसीलर को ही थोड़ा थोड़ा सा डॉट डॉट लगाओ, उसी को ब्लेंड कर लो काफ़ी अच्छे से। मैं आपको पहले तीनों शेड्स दिखा देती हूँ। ये तो इसका कंसीलर नहीं है, लिपस्टिक है, और कंसीलर ये रहा। मैंने एक्चुअली ये एक बाल्टी में रखे हुए हैं प्रोडक्ट सही बता रही हूँ मैं आपको, मैंने अपने जो कोरियर आते हैं ना ये मैं छज्जे पे रखती हूँ, कोरियर के डब्बे तो वैसे ही रख देती हूँ, और बाल्टी में भर के बस रख देती हूँ, क्योंकि सारे में फैला नहीं सकती ना तो जो जो कोरियर आते रहते हैं उसमें मैं भरती रहती हूँ। तो ये मेरे पास इसके 3 शेड्स हैं, ये काफ़ी डार्क है तो ये तो मुझे नहीं सूट होगा। सबसे लाइट वाले की अगर मैं बात करूँ तो वो ये वाला है। चलो इसकी पिगमेंटेशन मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा, 6 मिनट का तो वैसे ही हो चुका है। रुको मैं आपको एक इसकी ना पिगमेंटेशन ज़रूर दिखाती हूँ। चिट चैट वीडियो है भाई, गप्पे मार रहे हैं हम, पर मेरे से ये पैकेट खोलने में मुझे सबसे ज़्यादा आफत आती है, सही बता रही हूँ मैं आपको। ये आप देख सकते हो, ये आप देखिएगा, ये मेरी स्किन पे काफ़ी सही सूट कर रहा है,
मैं तो इसको ना एज अ फाउंडेशन थोड़ा सा टच करके लगा सकती हूँ, क्योंकि इसका शेड बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल भी वाइट नहीं है। वरना कई ना कंसीलर्स बहुत ज़्यादा वाइट लगाते हैं। तो ये तीन कंसीलर्स हैं मेरे पास। इसके अलावा एक मेरे पास है NYB की लिक्विड लिपस्टिक, देखती हूँ इसका शेड। और आई थिंक मेरे पास NYB की और होंगी तो फिर एक लिपस्टिक की वीडियो अलग से बना देंगे क्योंकि मुझे लिपस्टिक की वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आप लिपस्टिक की जो मैं वीडियोस बनाती हूँ नॉर्मली मेकअप के साथ ही अच्छी लगती है, या मैं जो बनाती हूँ विद मेकअप और विदाउट मेकअप। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को पता चले कि वो लिपस्टिक विद मेकअप कितनी अच्छी लगेगी और विदाउट मेकअप भी। क्योंकि ना मेकअप के साथ तो हर लिपस्टिक चमकती है, बिना मेकअप के पता चलता है कि हमारी शक्ल पर अच्छी लग भी रही है कि नहीं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि भाई विद मेकअप और विदाउट मेकअप दोनों होनी चाहिए, बट इसमें मेरा काम बढ़ जाता है। आपको तो देखने में मज़ा आता है कि नहीं आता वो तो नहीं पता, बट मेरा काम तो बढ़ जाता है। इसलिए मैंने कहा पहले आपसे ही पूछ लूँ कि आपको कैसी पसंद आती है। रुको अब ये मैं आपको शेड दिखाती हूँ, ये बहुत ही प्यारा डार्क ब्राउन शेड है। ओ ये आप देखो, ये है शेड नंबर, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये है शेड द हबली, यही है शायद। 200 रुपये इसका MRP है और शेल्फ लाइफ आपको पूरे 2 साल की इसकी मिलती है। मेरे पास ये स्टे कुर्की का कॉम्पैक्ट, कुछ चीज़ें मेरे पास दो दो तीन तीन हो चुकी हैं तो उन्हें मैं ओपन नहीं करूँगी, उन्हें मैं गिव अवे कर दूँगी। तो इसलिए मैं ना कुछ चीज़ें ओपन नहीं करूँगी, जैसे कि ये है मेरे पास एक स्टे कुर्की का कॉम्पैक्ट, ये आप देखो। इसमें ये शेड थोड़ा सा डार्क है मेरे स्किन के लिए, तो मैं इसे कुछ भी टच नहीं कर रही हूँ, मैं इसे गिव अवे में रख दूँगी, गिव अवे करूँगी बहुत जल्दी। नेक्स्ट है मेरे पास आसफा हलाल की क्रीम लिपस्टिक्स। ये दो लिपस्टिक्स मुझे रिसीव हुई हैं, इनके मैं लिप स्वॉचेस पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं इसे हैंड स्वॉच नहीं करूँगी क्योंकि ये शेड्स मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। इसमें ये वाला शेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, यार नखून दर्द कर देते मेरे। ये है कॉफ़ी, ये आप देखो इतना प्यारा ब्राउन शेड है ना, ये बहुत प्यारा, बहुत प्यारी क्रीम लिपस्टिक्स हैं ये, तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो अगर आप क्रीम लिपस्टिक्स लगाना के शौकीन हो। इन्हें मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगा रही हूँ, ये मैं कुछ चीज़ें ना बिल्कुल उसमें रखने वाली हूँ गिव अवे में। एक है मेरे पास ये ब्लश स्टे कुर्की का, स्टे कुर्की ने ये बड़ी सही चीज़ निकाली है, इसमें है दो ब्लश शेड्स, ये आप देख सकते हो। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे आपको ना अलग अलग ब्लश लेने की या पैलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें सामने की तरफ मिरर भी लगा हुआ है, तो सीधे देखो ब्रश लो और दो अलग अलग लगाना चाहते हो तो अलग अलग लगा लो, अदरवाइज मैं तो मिक्स करती हूँ और लगा लेती हूँ। पिगमेंटेशन इनकी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल शिमरी नहीं है ये, बहुत लाइट है। जैसे अभी मैंने लगा रखा ना, इसमें तो मैंने क्या कर रखा है, ब्लश और हाइलाइटर दोनों है, इसलिए थोड़ा सा शाइन मार रहा है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल शिमरी नहीं है। शेल्फ लाइफ की अगर मैं बात करूँ, इसकी आपको 3 साल की शेल्फ लाइफ मिलती है और MRP इसका 400 रुपीज़, मतलब 399 है। एक है मेरे पास पर्पल का लिप बाम, इसे खोलने में मेरे को हमेशा मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट है मेरे पास NYB की कंसीलर स्टिक, ये है ग्रीन करेक्टर। मैंने कभी भी करेक्टर्स यूज़ नहीं किए हैं, तो कोशिश करूँगी मैं किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये है करेक्टर ग्रीन और ये है कॉन्टोर के लिए, तो मैं किसी वीडियो में आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी अगर मेरे पास ऑरेंज करेक्टर भी होगा। रुको मैं देखती हूँ, इसमें है कुछ नहीं, ये तो लिपस्टिक है, तो मैं इन दोनों का अलग से आपके साथ शेयर करूँगी कैसे आप ग्रीन करेक्टर यूज़ करते हो। बेसिकली क्या होता है ना, जब हम लोग के डार्क सर्कल्स नहीं होते हम कंसीलर लगाते हैं, तो लोग बोलते हैं तुम्हारे डार्क सर्कल तो आ रहे, तुम कंसीलर क्यों लगा रहे हो। और अगर हम नहीं लगाते तो लोग बोलते हैं कि भाई क्यों नहीं लगाया, तुम्हें तो खुद मेकअप करना नहीं आता। तो मतलब हम किधर भी जाएं गला हमारा दबता ही है। ये है NYB की लिपस्टिक, ये है मैट लिपस्टिक विद आर्गन ऑयल। ये मेरे पास नहीं थी, पहली चीज़ जो मेरे पास नहीं थी, रुको पहले ओपन करके देख लेती, पता चला। हाँ ये वाली मेरे पास एक भी लिपस्टिक नहीं थी, फर्स्ट लिपस्टिक है मेरी वाली। ये है NYB की रनवे, ओ वाह बहुत प्यारा शेड है, रुको मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा न्यूड शेड है, बहुत प्यारा, बहुत प्रिटी लग रहा है ये। अरे यार हाँ, मेरे को लगा मैंने बंद नहीं करी और ढक्कन लगा दिया, अभी पहली की आखिरी हो जाती। ये है लिपस्टिक NYB की, ये मैंने अपने लिप स्वॉचेज में दिखा रखी है। हाँ दो अलग अलग हैं, एक 12 नंबर एक 15 नंबर, इसकी मैं एक अलग से वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि ये मेरे पास दो पहले की भी रखी हुई हैं। दो मेरे पास ये रिसीव हुए हैं,
ये मेरे पास ओपन भी हैं और इनकी मैं डिटेल्ड रिव्यू वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, स्क्रीन पे उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा और लिंक मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैं इन्हें ओपन नहीं कर रही हूँ तो मैं इन्हें गिव अवे कर दूँगी। इसमें बेसिकली क्या है, ये है 9 आई शेडोज, इसमें पैलेट नंबर 1 और पैलेट नंबर 2 है। मैं इसे गिव अवे करने की सोच रही हूँ तो मैं इसे ओपन बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास NYB का आई लाइनर, ब्लैक कलर का है ये, ये भी मेरे पास है आई थिंक, हाँ ये वाला है, ब्लैक और ब्लू कलर आते हैं इसमें, ये आप देखो। तो मैं इसे ओपन नहीं कर रही हूँ, वैसे मैंने पन्नी हटा दी इसकी पता नहीं क्या सोच के बट कोई नहीं, तो ये भी मैं साइड में रख रही हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है पर्पल का BU ON BFF कॉम्पैक्ट, ये आप देख सकते हो इसका कॉम्पैक्ट बहुत ही ब्यूटीफुल सा, इसका शेड बहुत प्यारा है। ये भी मेरे पास एक है तो मैं इसे भी साइड में रखूँगी। प्राइस की अगर मैं बात करूँ, इसका प्राइस 199 रुपीज़ है। कुछ आई है मेरे पास नेल पेंट्स, ये आप देख सकते हो, येलो वाली लगाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं हाथों पे कभी नेल पेंट्स नहीं लगाती हूँ, ये सब मैं अपने पैरों पे ही लगा के खुश हो जाती हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास ये है NYB का काजल, इनका वीडियो मैं शूट कर चुकी हूँ तो मैं इसे ओपन नहीं कर रही हूँ। इसमें मेरे पास है शेड ब्लैक तो मैं इसे ओपन नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास असफा हलाल की लिक्विड लिपस्टिक, असफा हलाल की लिक्विड लिपस्टिक्स मेरे पास 2 रिसीव हुई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ 2। मेरे नखुन्नी है ना, मेरे से ये खोलने में बड़ी आफत आती है मेरे को। ओ वाह, इसका शेड देखो गजब, इसका शेड बहुत अच्छा है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ओ माई गॉड, ये वाला देखो रेड हॉट, बहुत प्यारा शेड लग रहा है इसका। अगर मैं बात करूँ इसकी, यह है शेड नंबर 1 और वीडियो मेरा बहुत ज़बरदस्त वाला लंबा हो गया है। नेक्स्ट है मेरे पास शेड नंबर 11, पिंक वेलवेट नाम है इसका 11 वाले का, ये खुल गया। ओह वाह, इसका बहुत ही प्यारा सा मोव कलर है, प्यारा सा ये कलर। मैं जब भी देखती हूँ ना, मुझे मेरे शादी का लहंगा याद आता है, मेरे शादी का लहंगा इस कलर का है, बहुत प्यारा सा ये है, बहुत ही प्यारी सी लिपस्टिक। एक रेड हो गई, एक पिंक हो गई, मुझे लगता है लड़कियों को यही ज़्यादातर पसंद आते हैं, न्यूड्स आजकल बहुत चल रहे हैं। नेक्स्ट है मेरे पास आई पेंसिल स्टे कुर्की की, आई पेंसिल तो मेरे पास कोई भी नहीं है आई थिंक, रुको मैं देखती हूँ क्या है ये, अरे निकल, हाँ ये तो है मेरे पास, ये है आई पेंसिल। बेसिकली इसे आप काजल की तरह भी यूज़ कर सकते हो और ये मैं आपको शेड दिखाती हूँ, इसका शेड काफ़ी प्यारा है, ग्रीन कलर का है। बेसिकली आपको थोड़ा सा ब्लैक लग रहा होगा बट ये ग्रीनिश, थोड़ा सा डार्क ग्रीन है। नेक्स्ट है मेरे पास NYB की आई पेंसिल्स, 2 हैं नहीं 1 है, और ये है NYB की आई शेडो पेंसिल्स, नहीं 1 आई शेडो पेंसिल है, लिप पेंसिल, आई शेडो पेंसिल, एक तो साइज़ सेम है ना तो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, रुको एक मिनट। यस, ये है 3 लिप पेंसिल NYB की, 2 हैं आई शेडो पेंसिल और 1 है ये आई पेंसिल, ये ब्लैक कलर में है। अगर मैं इसकी बात करूँ, नहीं ब्लैक कलर में, ये भी ब्लैक कलर में है, रुको मैं एक मिनट खोल लेती हूँ यार, ये इतने छोटे में से ना कि मेरे को इसको निकालने में थोड़ी सी आफत आती है। ओ वाह, ये आप देखो छोटू छोटू सी आई पेंसिल्स हैं ये, और इन्हें अप्लाई करना बहुत आसान होता है, ये आप देख सकते हो काफ़ी प्यारा सा ग्रे शेड है ये, इसे आप आई शेडो की तरह अच्छे से लगा लो और बस मज़ा ही आ जाए। लिप पेंसिल की अगर मैं बात करूँ तो मैं लिप पेंसिल भी दिखा देती हूँ आपको एक बारी, इसी साइज़ की है ये लिप पेंसिल, निकल जा भाई, नीचे शिवांश हल्ला मचा रहा है, अरे निकलने कोई नहीं आ रही। ये भी इसी तरीके की आप देख सकते हो, मुझे पैकेट ही पूरा फाड़ना पड़ेगा। एक है मेरे पास लिप प्लमर, ये भी मैं ओपन नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास NYB का द बिग एप्पल ऑफ माई आईज काजल है ये, बेसिकली मैं आपको दिखाती हूँ, ये काफ़ी प्यारा सा ब्लैक बोल्ड काजल है ये। नेक्स्ट है मेरे पास पर्पल की HD वेलवेट लिपस्टिक, ये आप देख, इसमें मेरे पास सारे शेड्स 2-2 हैं, तो ये एक पता नहीं नया वाला है कि पुराना शेड है,
देखूंगी पहले मेरे स्टॉक में ये है कि नहीं, अदरवाइज मैं इसे ओपन नहीं करूंगी। नेक्स्ट है मेरे पास जो रिसीव हुआ है वो है निक्का के बर्थडे केक आई शेडो पैलेट। ये मेरे पास एक है, ये मुझे दूसरा रिसीव हुआ है। इसके अलावा जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये, यह है मेबलिन का मास्टर क्रोम। ये भी मैंने पर्पल से मंगवाया था। तो ये है मेरा पर्पल हॉल। आई थिंक मैंने सब कुछ शेयर कर दिया एक चीज़ को छोड़ के। ये है एन वाई बेशक्ति की लिपस्टिक है, आई थिंक हाँ लिपस्टिक है, शेड नंबर 15। तो अब मेरे पास हो गई है ये वाली 5। तो मैं इसका लिप स्वाचेज और हैंड स्वाचेज आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही प्यारा सा न्यूट शेड है, बहुत प्यारा सा। चलो इसको भी हाथ पे लगा के देख लेती हूँ। हाथ पे लगा मैं सब कुछ लेती हूँ और फिर इन्हें निकालना मेरी आफत हो जाती है, बहुत आफत हो जाती है, बिलीव मी। ये आप देखो तो कितना प्यारा न्यूट शेड है। तो ये था मेरा पर्पल हॉल। आई होप आपको पसंद आया है। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाओगे। सबके लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो भी चेकआउट करना चाहते हो चेकआउट कर लेना। सेल से पहले लेना चाहते हो तो सेल से पहले ले लोगे तो आपके खूब सारे पैसे भी बच जाएंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया था। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाओगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।